हेलो स्टूडेंट्स, दिस वीडियो इज़ अबाउट लेंजेज लॉ एंड द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ इज़ डिटरमाइंड बाय यूजिंग लेंजेज लॉ। वी नो दैट जो इंड्यूस्ड ईएमएफ है उसको हम स्मॉल ई से डिनोट करते हैं, विच इज़ इक्वल्स टू डी फाई बाई डी टी, वेयर फाई इज़ द मैग्नेटिक फ्लक्स एंड दिस इज़ अकॉर्डिंग टू फेराडे सेकेंड लॉ वी हैव। एंड लेंजेज लॉ कहता है कि द इंड्यूस्ड ई एम एफ इज़ ऑलवेज प्रोड्यूस्ड, इंड्यूस्ड ई एम एफ हमेशा उस डायरेक्शन में प्रोड्यूस होगी, दैट इट ऑलवेज अपोज द कॉज, जिसकी वजह से इंड्यूस्ड ई एम एफ प्रोडक्शन हुआ है ये अपने कॉज को अपोज कर सके। सो अकॉर्डिंग टू लेंजेज लॉ इट ऑलवेज अपोज द कॉज रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ दिस इंड्यूस्ड ई एम एफ। एक्सपेरिमेंटली लेंज एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने एक्सपेरिमेंटली इस लॉ को प्रूव किया। उन्होंने एक कॉइल ली, एक गैल्वेनोमीटर लिया और उस कॉइल और गैल्वेनोमीटर को एक टू वे की के साथ एक सेल के साथ उन्होंने कनेक्ट कर दिया। सो फर्स्टली उन्होंने पहले कनेक्ट किया 2 और 3 को, जिसकी वजह से जब ये कनेक्ट होगा दिस इज़ द पॉजिटिव टर्मिनल एंड दिस इज नेगेटिव टर्मिनल, करंट फ्लो करेगा इन दिस डायरेक्शन इन दिस वे एंड वी कैन से दैट एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। एंड जिसकी वजह से हम पहले भी फैराडे एक्सपेरिमेंट में ये पढ़ चुके हैं, जिस डायरेक्शन में करंट फ्लो करेगा उसी डायरेक्शन में गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्ट करेगा। सो दिस इज़ द डायरेक्शन ऑफ करंट व्हेन वी कनेक्ट 2 और 3 टर्मिनल्स। सो गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्ट टूवर्ड्स राइट, और गैल्वेनोमीटर राइट डिफ्लेक्ट कर रहा है। ये कब डिफ्लेक्ट करता था गैल्वेनोमीटर राइट, हमने फैराडे एक्सपेरिमेंट में भी ये ऑब्जर्व किया, जब हम मैग्नेट के नॉर्थ पोल को उसके टूवर्ड्स लाते थे। इट मीन्स जो इस कॉइल का ये पार्ट है इट विल बिहेव्स लाइक अ नॉर्थ पोल, एंड जैसे ही हम रिवर्स कर देते हैं पोलैरिटी, मींस ये अगर हमारे पास नेगेटिव टर्मिनल हो जाए और ये पॉजिटिव टर्मिनल हो जाए, करंट इस डायरेक्शन में फ्लो करेगा, वी कैन से दैट क्लॉकवाइज, जिसकी वजह से गैल्वेनोमीटर स्टार्ट्स डिफ्लेक्शन टुवर्ड्स लेफ्ट, और जिसकी वजह से टुवर्ड्स लेफ्ट की वजह से जो अपर फेस है इस कॉयल का बिहेव्स लाइक अ साउथ पोल। क्योंकि जब हमने फैराडे एक्सपेरिमेंट पढ़ा था गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्ट कर रहा था टुवर्ड्स लेफ्ट, जब हम उस मैग्नेट को अवे फ्रॉम दी कॉइल लेके जा रहे थे, इट मींस दैट दिस फेस विल बिहेव्स लाइक अ साउथ पोल। नाउ डिस्कनेक्ट 2 एंड 3 को हम डिस्कनेक्ट कर देते हैं एंड 1 एंड 3 को कनेक्ट कर देते हैं, इसको हम कनेक्ट कर देते हैं, इस पार्ट को डिस्कनेक्ट कर देते हैं। अब इस टाइम पे इस कॉइल के अंदर देर इज़ नो करंट, बिकॉज जो बैटरी है हमने उसको रिमूव कर दिया, ओनली गैल्वेनोमीटर है, कॉइल है। नाउ वी हैव टू यूज़ मैग्नेट। अब हम क्या करेंगे, एक मैग्नेट लेंगे, उसका नॉर्थ पोल उस कॉइल के टुवर्ड्स इस तरीके से उसको उसके पास लेके आएंगे, जिसकी वजह से नॉर्थ पोल एंड दिस से जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन होगी वो इस तरीके से होंगी। ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की लाइंस परपेंडिकुलरली फॉल करेंगी, इस कॉइल के ऊपर मैग्नेटिक फ्लक्स होगा, मैग्नेटिक फ्लक्स होने की वजह से दिस गैल्वेनोमीटर स्टार्ट्स शोइंग डिफ्लेक्शन अगेन टुवर्ड्स राइट। इट मीन्स दैट ये कहीं ना कहीं फैराडे लॉ जैसा ही है, जब हम कॉइल के पास मैग्नेट को ला रहे थे गैल्वेनोमीटर हमें डिफ्लेक्शन शो कर रहा था टुवर्ड्स राइट, एंड जब हम इसको अपोजिट डायरेक्शन में लेके जाएंगे तो गैल्वेनोमीटर और शो डिफ्लेक्शन टुवर्ड्स लेफ्ट एंड विच इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर इट्स प्रोडक्शन। सो हम कह सकते हैं जब ये टुवर्ड्स राइट डिफ्लेक्शन शो कर रहा है, एंड जिसका मतलब है अपर फेस विल बिहेव्स लाइक अ नॉर्थ पोल एंड विच विल अपोज द मोशन ऑफ नॉर्थ पोल विच इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर इट्स प्रोडक्शन, जो कि रिस्पॉन्सिबल है इस गैल्वेनोमीटर के डिफ्लेक्शन में, मतलब करंट के प्रोडक्शन के लिए। नाउ मूव द नॉर्थ पोल ऑफ द मैग्नेट अवे, अगर हम इसको अब अवे लेके जाते हैं,
गैल्वेनोमीटर शो करेगा डिफ्लेक्शन टूवर्ड्स लेफ्ट, इट मीन्स दैट जो अपर फेस है विल बिहेव एज अ साउथ पोल, इट मीन्स विच अट्रैक्ट द नॉर्थ पोल एंड अपोज इट्स आउट गोइंग। अट्रैक्ट तो कर रहा है और उसके आउट गोइंग को ये अपोज कर रहा है, जो कि रिस्पॉन्सिबल है फॉर प्रोडक्शन ऑफ साउथ पोल। तो हैंस यहाँ से हम कह सकते हैं कि जो इंड्यूस्ड EMF है विल बी प्रोड्यूस इन सच अ डायरेक्शन, उस डायरेक्शन में प्रोड्यूस होता है दैट इट ऑलवेज अपोज द कॉज रिस्पॉन्सिबल फॉर इट्स प्रोडक्शन। जब हम इसको पास लेके आ रहे थे तब ये नॉर्थ पोल की तरह बिहेव कर रहा था, जबकि नॉर्थ और जबकि इन दोनों के बीच में क्या होगा, एक फोर्स ऑफ रिपल्शन, और जब हम इसको दूर लेके जा रहे हैं तब ये साउथ पोल की तरह बिहेव कर रहा है, जबकि इनके बीच में क्या है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। इट मीन्स दैट के इंड्यूस्ड EMF हमेशा उस डायरेक्शन में प्रोड्यूस होगा दैट इट ऑलवेज अपोज द कॉज रिस्पॉन्सिबल फॉर इट्स प्रोडक्शन। सो दिस इज़ अ स्मॉल एक्सप्लेनेशन अबाउट लेंजेज लॉ, एंड द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट इज ऑल्सो डिटरमाइंड बाई यूजिंग फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल, which will already explain in the previous video. You know that what is Fleming's right hand rule? We stretch our three fingers of the right hand and all are mutually perpendicular to each other, in which this fingers gives the direction of magnetic field, thumb will gives the direction of motion, and this finger gives the direction of induced current. Now we have various methods of production of induced EMF, and you know that according to Faraday's second law of electromagnetic induction, induced EMF को हम E से denote करते हैं, which is equals to d∅dt, and you know that flux is equals to magnetic field strength into में surface area element, दोनों ही dot product हैं, इसीलिए हम इसको लिख सकते हैं bds cos theta, ठीक है। सरफेस एरिया को ए से रिप्रेजेंट कर देते हैं तो ये इक्वेशन बन जाती है बी ए कॉस थीटा, अगर हमारे पास नंबर ऑफ टर्न्स हैं तो ये फाइव विच इज़ इक्वल्स टू एन बी ए कॉस थीटा। सो अगर इस फ्लक्स की वैल्यू को मैं इसके अंदर रख दूँ इस इक्वेशन में, सो वी हैव डी बाई डी टी एन बी ए कॉस थीटा, सो वी कैन से दैट कि जो इंड्यूस्ड EMF E है वो प्रोड्यूस होगा, कैन बी प्रोड्यूस्ड बाय चेंजिंग द नंबर ऑफ टर्न्स इन द कॉइल। अगर हम नंबर ऑफ टर्न्स को चेंज करते हैं कॉइल में, इंड्यूस्ड EMF कैन बी प्रोड्यूस्ड। सेकेंडली, इफ वी चेंजिंग द मैग्नेटिक फील्ड लिंक्ड विद कॉइल दैट इज बी, अगर हम मैग्नेटिक फील्ड को चेंज करते हैं देन वी कैन इंड्यूस्ड EMF, देन वी कैन से दैट अगेन द इंड्यूस्ड EMF कैन बी प्रोड्यूस। थर्ड पॉइंट इज चेंजिंग द एंगल बिटवीन मैग्नेटिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर ऑफ द कॉइल, और वी कैन से दैट बाय चेंजिंग थीटा वी कैन प्रोड्यूस्ड इंड्यूस्ड EMF। एंड द फोर्थ पॉइंट एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट इज बाय चेंजिंग द एरिया ऑफ द कॉइल इन मैग्नेटिक फील्ड वी कैन प्रोड्यूस्ड इंड्यूस्ड EMF। एंड ये जो फोर्थ पॉइंट है, इसको हम इसका जो कंप्लीट डेरिवेशन कई बार पूछ लिया जाता है बोर्ड एग्जाम में, दैट इज़ जैसे कि ये जो डॉट है इस डायग्राम में, ये रिप्रेजेंट कर रहा है मैग्नेटिक फील्ड को। मैंने पहले भी बताया था क्रॉस का मतलब होता है यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, लेकिन इसकी जो डायरेक्शन होती है वो परपेंडिकुलरली इनवर्ड। दिस इज़ ऑल्सो रिप्रेजेंट द डायरेक्शन मैग्नेटिक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, लेकिन इसकी जो डायरेक्शन है दैट इज़ परपेंडिकुलर आउटवर्ड। सो फॉर चेंजिंग एरिया ऑफ कॉइल इन मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस्ड EMF कैन बी प्रोड्यूस्ड, एंड द इंड्यूस्ड EMF इज प्रोड्यूस्ड इन अ कॉइल व्हेन द कॉइल इज मूव बाय चेंजिंग इट्स एरिया इन द मैग्नेटिक फील्ड। हमने इसके अंदर एक कॉइल रखी, उसकी पोजिशन है KLMN। जब हमने इसका एरिया चेंज कर दिया, मतलब इसकी मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ को बी से डिनोट कर रहे हैं, इस कॉइल की लेंथ है एल, जब इसका एरिया चेंज किया अब ये कॉइल का एरिया है KLMN, और जब इसको मूव किया उसकी वेलोसिटी थी वी, तो पोजीशन चेंज हो गई, उसका एरिया चेंज हो गया, उसके अंदर जो डिस्प्लेसमेंट हुआ दैट इज़ dx, और हमने इस कॉइल को पार्शियली रखा है मैग्नेटिक फील्ड बी के अंदर।
जो कि परपेंडिकुलर आउटवर्ड है टू द प्लेन ऑफ द पेपर। आप देख सकते हो यहाँ पे यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के लिए डॉटेड लाइन डॉट्स नहीं है, हमने आधी ही कॉइल को उस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखा है। और जैसे ही हमने इस मैग्नेट इस एरिया को पुल किया मैग्नेटिक फील्ड स्पीड वी के साथ, तो जो डी एक्स पोर्शन है इतना ऑफ द कॉयल मूव आउट इन डी टी टाइम, थोड़ा सा बाहर आ गया डी टी टाइम में। सो द एरिया के अंदर जो चेंज आया है दैट इज़ डी ए इज इक्वल्स टू माइनस एल डी एक्स। यू नो दैट एरिया इज इक्वल्स टू लेंथ इन टू ब्रेथ। लेंथ इस कॉयल की, इस रेक्टेंगुलर कॉयल की है एल, और इसके अंदर जो ब्रेथ में चेंज आया है दैट इज़ डी एक्स। एंड हेयर नेगेटिव साइन शो कर रहा है कि एरिया ऑफ कॉयल इन अ मैग्नेटिक फील्ड इज़ डिक्रीजिंग। पहले ये कॉयल जितनी मैग्नेटिक फील्ड में रखी थी, अब हमने उसको जब पुल्ड आउट किया तो मतलब ज़्यादा एरिया उसका मैग्नेटिक फील्ड में नहीं है एज़ कम्पेयर टू पहले से देखा जाए तो मतलब मैग्नेटिक फील्ड के रिस्पेक्ट में उसका एरिया डिक्रीज हो गया। वही नेगेटिव साइन यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा है। एंड वी नो दैट फ्लक्स इज इक्वल्स टू बी डी ए कॉस थीटा। इसकी डायरेक्शन है परपेंडिकुलरली आउटवर्ड और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है इस वे में। एरिया की और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में अगर हम एंगल देखना चाहें विच इज़ इक्वल्स टू ज़ीरो डिग्री, सो वी हैव बी डी ए कॉस ज़ीरो डिग्री की वैल्यू होती है वन, और डी ए की वैल्यू हमने यहाँ पे फाइंड आउट कर ली स्मॉल चेंज इन एरिया दैट इज़ माइनस एल डी एक्स। सो इस वैल्यू को जब हम इस इक्वेशन में पुट करेंगे वी हैव माइनस बी एल डी एक्स। एंड अकॉर्डिंग टू फेरेडे सेकेंड लॉ ऑन ई एम आई इज इक्वल्स टू माइनस डी फाई बाई डी टी। सो माइनस डी बाई डी टी और फाई की वैल्यू हम ये पुट कर देंगे, लेकिन बी और एल मैग्नेटिक फील्ड बी और लेंथ इन रिस्पेक्ट टू एक्स वो एक कॉन्स्टेंट क्वान्टिटी की तरह बिहेव करेंगे, तो ये दोनों बाहर आ जाएंगे। बी एल नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो गया, एक नेगेटिव ये और एक नेगेटिव फॉर्मूला का, एंड डी एक्स बाय डी टी। और रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज़ नोन एज वेलोसिटी। तो इस पूरी क्वांटिटी को वी के इक्वल रख दें। सो मैग्नेटिक सो इंड्यूस्ड ई एम एफ दैट इज ई इज इक्वल्स टू बी एल वी, वेयर वी इज़ द डी एक्स बाई डी टी वेलोसिटी ऑफ द कॉइल। सो दिस एक्सप्रेशन इज यूज न्यूमेरिकली फॉर सॉल्विंग क्वेश्चंस। तो फॉर बाय दीज फोर चेंजेस दैट इज एन बी ए एंड कॉस थीटा, बाय चेंजिंग नंबर ऑफ टर्म्स, बाय चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड लिंक्स विद कॉइल, बाय चेंजिंग एंगल between magnetic field and area vector of the coil, and by changing area of the coil, the induced EMF can be produced. So this is all about various methods for production of induced EMF.